आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक लगाया जाता है, 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक लगता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कभी कभी इंटरव्यू लोग पूछ देते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक लगता है, तो आप इस वीडियो से क्लियर हो जाइएगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक लगेगा। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक का स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होगा इंडिया में। तो भारत में स्टैंडर्ड डायमेंशन ब्रिक का अब 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर ही होता है। इसको mm में अगर लिखना चाहते हैं तो 190 mm × 90 mm × 90 mm। तो विदाउट मोटार, बिना मोटार ब्रिक का साइज आपको 190 mm × 90 mm होता है विथ मोटार। मोटार के साथ साइज क्या होगा ब्रिक का, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं मोटार इसमें ऐड हो गया, ऑब्वियसली है कि स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक से इंक्रीज होगा। इंक्रीज कितना होता है, 10 mm 10 mm। 190 में 10 mm ऐड कीजिए 200, 90 में 10 mm ऐड कीजिए 100, 90 mm में 10 ऐड कीजिए 100। तो मैं बोल सकता कि 200 × 100 × 100 mm विथ मोटार के साथ ब्रिक का साइज आपका कितना होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि साइज ऑफ मोटार बेड का साइज 10 mm लिया जाता है। मोटार किसको बोला जाता है, मोटार आप कन्फ्यूज होते होंगे जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर देख रहे होंगे, आई थिंक बहुत लोग को पता नहीं रहता है कि मोटार किसको बोलते हैं। सीमेंट सैंड का मिक्सर को ही मोटार कहते हैं। सीमेंट और सैंड का मिक्सिंग कर दीजिए, जो आपका बन के आएगा वो आपका मोटार कहलाएगा। तो इस में आप देख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड साइज क्या होता है ब्रिक का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कितने तरह का होते हैं, बॉन्ड यहाँ पे 3 तरह का दिखलाया गया है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेचर बॉन्ड, सेकेंड इज इंग्लिश बॉन्ड, थर्ड इज फ्लेमिश बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड हम लोग कैसे पता करते हैं कि एक यह वाल स्ट्रेचर बॉन्ड से बना है, तो स्ट्रेचर बॉन्ड एक वाल में केवल आपको स्ट्रेचर ही दिखलाई देगा। स्ट्रेचर मीन एक ब्रिक का लेंथ को, लेंथ जो दिखाई देता है ब्रिक का लेंथ उसको स्ट्रेचर बोला जाता है, और जो हाइट दिखाई देता है उसको हेडर बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें केवल लेंथ दिखाई दे रहा है ब्रिक का, स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, कहीं हेडर दिखाई नहीं दे रहा। ओनली स्ट्रेचर नॉट हेड। तो स्ट्रेचर केवल दिखाई दे रहा है इसलिए हम लोग बोलेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में हम देखिए, इंग्लिश बॉन्ड में एक स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में हेडर दिखाई दे रहा है, फिर थर्ड लाइन में स्ट्रेचर, फोर्थ लाइन में हेडर, फिफ्थ लाइन में हेड स्ट्रेचर। तो इससे इस वाल से पता चलता है कि अल्टरनेट है, एक स्ट्रेचर तो एक हेडर, एक स्ट्रेचर एक हेडर, तो अल्टरनेट जब आएगा तो इंग्लिश बॉन्ड का लगता है। नेक्स्ट फ्लेमिश बॉन्ड आप देखिए, एक स्ट्रेचर के साथ एक हेडर, मतलब एक लाइन में ही स्ट्रेचर हेडर आ रहा है। मतलब एक लाइन में आपको स्ट्रेचर हेडर मिल गया, सेकेंड लाइन में भी स्ट्रेचर हेडर मिल रहा है, थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में, मतलब एक लाइन में स्ट्रेचर हेडर मिल गया, तो आपको उसको फ्लेमिश बॉन्ड बोला जाता है। तो आप बॉन्ड समझ गए होंगे कि किस किस टाइप का बॉन्ड होता है और इसको पहचानने का रूल क्या है। नेक्स्ट इस अब एक ब्रिक का देखिए, ब्रिक में एक फ्रॉग होता है जिसमें कंपनी किस कंपनी से आया है उसकी कंपनी का नाम लिखा रहता है, उसको हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। तो ब्रिक में फ्रॉग का साइज कितना होना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक ब्रिक का साइज में फ्रॉग का साइज कितना होता है, तो एक फ्रॉग का साइज जिसका हाइट 10 से 20 mm होना चाहिए और लेंथ 100 mm होना चाहिए। ऐसे ब्रिक का लेंथ 190 mm होता है, इसमें 100 mm तक फ्रॉग होना चाहिए, फ्रॉग का लेंथ होना चाहिए। फ्रॉग आप लोग सोच रहे हो कि फ्रॉग क्यों दिया जाता है किट में और क्यों इसको स्टैंडर्ड साइज में नहीं दिया जाए तो क्या होगा। देखिए फ्रॉग का क्या रोल होता है, बहुत रोल होता है इम्पोर्टेंट एक ब्रिक में। फ्रॉग यदि नहीं दिया जाए तो एक वाल बनाने में हम लोग क्या करते हैं, ये एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक रखते हैं, तो एक ब्रिक दूसरे ब्रिक में
बाइंडिंग नहीं बना पाएगा यदि फ्रॉग एक ब्रिक में नहीं रहेगा तब। फ्रॉग का रोल यही होता है कि एक ईंट दूसरे ईंट पे जैसे ही आता है मोटार के साथ, एक मोटार थोड़ा सा इसमें इंटर होता है और दूसरे ब्रिक के साथ अच्छी तरह से पकड़ बनाए रखता है। इसलिए फ्रॉग होना बहुत ज़रूरी है ईंट में। इसलिए आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा कि आप ईंट यदि परचेज करते हैं, ब्रिक परचेज करते हैं, तो आप फ्रॉग को अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद ही आप परचेज कीजिएगा ताकि आपका बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि फ्रॉग एक ईंट में फ्रॉग का क्या महत्व है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब नंबर ऑफ ब्रिक्स एक 1 मीटर क्यूब में कितना होगा। मैं स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन बोला था कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, 1 मीटर क्यूब में ब्रिक कितना लगाया जाता है, लगता है कितना ब्रिक लगता है 1 मीटर क्यूब में। इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वॉल्यूम जैसे 1 मीटर क्यूब में हम लोग देख रहे थे, टोटल वॉल्यूम अपॉन, यहाँ पे अपॉन का सिंबल है, बट्टा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विथ मोटार, मोटार के साथ ब्रिक्स का वॉल्यूम। अब हम लोग मोटार के साथ ही ब्रिक्स का वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं भाई, विदाउट मोटार का ब्रिक का वॉल्यूम तो हो सकता है। देखिए जब एक आप वाल बनाते हैं 1 मीटर क्यूब आप वाल बनाते हैं, उसमें मोटार के साथ ही ना बनाते हैं, मोटार के साथ सीमेंट सेंट तो मिक्स करके ईंट पे रखते हैं, फिनिश पे रखते हैं, इसी तरह से बनाते हैं, मोटार के साथ बनाते हैं, इसीलिए हम लोग मोटार के साथ का ब्रिक का वॉल्यूम निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विथ मोटार के साथ आप निकाल सकते हैं कि हम लोग जानते हैं LBH, L कितना था 200 mm, B कितना था 100 mm, H कितना था 100 mm, तो उसको मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर दिया, 0.2 × 0.1 × 0.1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 0.002 m³। तो आप नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना आपको तो डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स अब कितना हो जाएगा। तो फार्मूला पे आप देखिए टोटल वॉल्यूम कितना है 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विथ मोटार, मोटर के साथ वॉल्यूम हम लोग कितना निकाले हैं, मोटर के साथ ब्रिक का वॉल्यूम 0.002 m³। अब 1 upon 0.002 इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 500 आएगा, 500। तो हम बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में ब्रिक आपका लगेगा 500, नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक्स आपका 500 होगा। तो देखिए कितना इजीली से, कितना आसान मेथड से हम लोग 1 मीटर क्यूब में कितना ईंट लगेगा, कितना ब्रिक लगेगा, आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लिया। तो आई थिंक यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।